नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और ये सारे प्रश्न जो है निम्मी के असाइनमेंट और निम्मी के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, क्राउनिंग होता क्या है? जब आप चीजल में क्राउनिंग शब्द का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे चीजल का जो कटिंग एज होता है उसके कटिंग एज को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बना दिया जाता है। देखिए, क्राउनिंग में ये फ्लैट चीजल है, यहाँ पे इसके जो कटिंग एज है यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ से यहाँ के कटिंग के एज के इसके बीच में थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी कर देता है, तो उसी को क्राउनिंग कहते हैं। होता है क्राउनिंग का फायदा क्या होता है कि जब आप चीजल के द्वारा चिपिंग करते हैं तब होता क्या है कि उस पे जो इसके एज है, ये जो कॉर्नर वाला एज है वो पूरा टच नहीं करता है, जिससे कि वो डिगिंग नहीं करता है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। अब आइए देखिए इसके ऑप्शन पे कि क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ चीजल, क्या छेनी के फिसलने से रोकने के लिए किया जाता है। प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर के कोनों की खुदाई को रोकने के लिए किया जाता है। अलाउ चीजल टू मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट लाइन, सीधी छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए अनुमति देने, या फिर अलाउ कटिंग एज टू पेनिट्रेट इनटू वर्क, यानी कि कटिंग एज को कार में घुसने देने के लिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ये दोनों जो है क्राउनिंग से रिलेटेड है, ये दोनों भी ऑप्शन जो है वो क्राउनिंग में हेल्प करता है। लेकिन जो प्रिफरेंस देना पड़े दिया जाएगा वो प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर, क्योंकि होता है क्या है कि जब आप चिपिंग करते हो चीजल के माध्यम से तो वो क्या, जो कॉर्नर है चीजल का वो उसमें यदि क्राउनिंग ना होगा तो क्या होगा कि वो डिगिंग कर, यानी कि उसके कोना जो है एज, कटिंग एज जो है उसमें मेटल में फंस जाएंगे। तो इस कारण से प्रिवेंट डिगिंग के लिए क्राउनिंग किया जाता है। वही बात किया जाए अगले ऑप्शन अलाउ चीजल टू मूव फेयरली ऑन स्ट्रेट लाइन, ये भी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन निम्मी ने इस बी को ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट माना है। तो आपको निम्मी के आधार पे ऑप्शन बी पे जाना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोका जा सकता है। तो आपका टूल है और उस जो टूल है वो वर्क सरफेस से रगड़ ना खाए, उसके लिए क्या करना होगा, क्या डिक्रीज लीप एंगल, इंक्रीज रैक एंगल, इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, डिक्रीज टूल वेज एंगल। तो क्या करेंगे जिससे कि हमारा जो वर्क पीस है वो सरफेस से रगड़ ना खाए, तो उसके लिए करना होगा, क्योंकि क्लियरेंस एंगल यदि बढ़ाएंगे, इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, तो क्या होगा कि जो वर्क पीस है और जो टूल्स है उसके बीच में यदि क्लियरेंस होगा तो होगा क्या कि रगड़ नहीं खाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर हम रबिंग प्रो को रोक सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए, ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। देखिए क्या रहा क्वेश्चन, कहा था कि कौन सा भाग जो है वो फ्रेम के साथ अटैच होता है। तो ये वाला भाग जो है, ये जो टोटल यू या सी आकार के शेप में बना हुआ है इसको फ्रेम कहते हैं, और फ्रेम के साथ जो है ये जो है यहाँ पे एनविल है। तो फ्रेम के साथ कौन सा हिस्सा लगा रहता है, एनविल लगा रहता है। क्वेश्चन के आधार पे इसका करेक्ट आंसर
आउटसाइड माइक्रोमीटर के फ्रेम में जो फीट होते हैं उसे एनविल कहा जाता है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस माइक्रोमीटर का नाम बताइए, ये कौन सा माइक्रोमीटर है? तो ये दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर है। जब आप गहराई मापना हो तो डेप्थ माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर में रैचेट स्टॉप होता है, यहाँ पे इसको थिम्बल बोलते हैं, यहाँ पे थिम्बल डिवीजन वगैरह दिया हुआ है, और ये जो है आपका स्लीव है, और ये जो है आपका लॉकिंग नट है जिसके माध्यम से कोई भी आप जब मेजरिंग करेंगे तो उसको लॉक कर सकते हैं, और इस वाले भाग को वॉडी करते हैं। इसके द्वारा जो है आप किसी हॉल की गहराई बिल्कुल आसानी से माप सकते हैं। तो ऑप्शन ए ये है डेप्थ माइक्रोमीटर। हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो ड्रिल चक को पकड़ने के लिए मशीन स्पिंडल में आर्वर की आवश्यकता होती है। तो आर्वर के द्वारा जो है वो चक को, ड्रिल के चक को होल्ड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्वर। वहीं ज्यादा यदि बड़ा साइज के ड्रिल है तो उसे सॉकेट या स्लीव की सहायता से होल्ड किया जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार आर्वर करेक्ट आंसर होगा। विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड फॉरवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉलम, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जा सकता है? तो एक मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, जो कॉलम के उसका जो कॉलम के पास हेड और उसका जो स्पिंडल का हेड है वो पास भी जा सकता है और दूर भी जाता है। तो ये क्या पिलर ड्रिलिंग मशीन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, या सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन? तो उस ड्रिलिंग को कहा जाता है, ड्रिलिंग मशीन को, रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं। तो आप इस फिगर को देखिए, ये जो ड्रिलिंग मशीन है, बड़ा सा ड्रिलिंग मशीन जिसे बोला जाता है रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन, ये जो लंबा सा पिलर जैसा दिख रहा है इसे कॉलम कहा जाता है, और ये जो है आर्म है, ये जो इस तरह से पूरा कॉलम पे स्थिर है, फिट है, उसे आर्म कहा जाता है, और इस वाले भाग को स्पिंडल हेड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये स्पिंडल लगा हुआ है और ये फीड हैंडल है जिसके माध्यम से फीडिंग दिया जाता है, ऊपर मोटर लगा हुआ है। तो अब कॉलम के नजदीक और दूर ले जाने के लिए आप दे सकते हैं, ये जो स्पिंडल हेड है ये जो है कॉलम के पास जाता है और दूर भी जाता है। तो प्रश्न के अनुसार जो है इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन, या रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो है इसका सी करेक्ट आंसर होगा, जो ड्रिल मशीन के कॉलम के पास और दूर जाता है वो कहलाता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड ऑन द क्रेस्ट और रूट, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो दोस्तों स्क्रू थ्रेड में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट क्रेस्ट कहलाता है और कौन सा रूट। तो रूट क्या है और क्रेस्ट, दोनों जिसका राउंड है, तो वो जो थ्रेड है वो BSW थ्रेड है, जिसका एंगल जो होता है वो 55 डिग्री इसका एंगलर होता है, और सन 1841 ईस्वी में जोजफ वर्थवुड ने इस थ्रेड की खोज की थी, और इसे विथ स्टैंड वर्थ थ्रेड कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसका रूट और क्रेस्ट दोनों राउंड होता है। तो योग थ्रेड है BSW। व्हाट इज द नेम ऑफ इस दैट टाइप ऑफ टैप रेंच, इस टैप रेंच को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो टैप रेंच है वो सॉलिड टाइप टैप रेंच है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
और टी हैंडल टैप रेंज का प्रयोग जो है वो जहां पे रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, जगह कम है, सीमित जगह है, वहां पे टी हैंडल का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात की जाए सॉलिड टाइप टैप रेंज का प्रयोग, इस टैप रेंज में फिक्स जितने डायमीटर के ये टैप रेंज है उतने ही डायमीटर के टैप लगेंगे, इसलिए इसे बोला जाता है सॉलिड टाइप टैप रेंज। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज? तो टैप ड्रिल साइज की गणना करने के लिए क्या सूत्र है? टैप ड्रिल साइज यानी कि TDS, टैप ड्रिल साइज बराबर होता है टैप साइज माइनस 2D इंटू पीच। यदि तो इसमें देखिए ऑप्शन में टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर साइज मेजर डाया माइनस 2D इंटू पी, टैप ड्रिल साइज मेजर डाया प्लस 2 इंटू डेप्थ, टैप ड्रिल साइज मेजर डाया माइनस 2 प्लस डेप्थ, ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि प्लस में दिया है। टैप ड्रिल साइज मेजर डाया प्लस टू डेप्थ, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि डी और सी तो बिल्कुल गलत है। अब आइए टैप ड्रिल साइज मेजर डाया 2 इंटू डेप्थ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए मेजर डाया टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2D, यानी कि टैप साइज माइनस 2D यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए के अनुसार ऑप्शन ए जो है टैप ड्रिल साइज मेजर डाया माइनस 2D डेप्थ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। Which part of the combination set is used to mark and check angle of 90 degree and 45 degree? Combination set के किस भाग का उपयोग 90 degree और 45 degree के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? क्या रूल, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड या प्रोटेक्टर हेड? तो जब आप कॉम्बिनेशन सेट लेते हैं तो उसमें एक कई भाग होते हैं, तो उसमें जो स्क्वायर हेड है उसके द्वारा हम 90 डिग्री और 45 डिग्री मेजर भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। Why ribs are provided in the angle plate? Angle plate में ribs क्यों प्रदान किया जाता है? तो rib होता क्या है? जैसे कि ये जो है आपका angle plate है, तो यहाँ पे एक देखते होंगे कि बाहर की तरफ इस पिछले तरफ इस तरह के rib लगे होते हैं इस तरह के, तो ये किस लिए दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए जो है कि रिब्स एंगल प्लेट में रिब्स दिए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक, इस वी ब्लॉक को पहचान करें कि ये कौन सा वी ब्लॉक है। क्या ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है, सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है, या फिर डबल लेवल डबल ग्रुप है? तो इसमें देखिए हमने कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन को बताया है कि ये जो वी ब्लॉक में जो ये जो एंगल वाला भाग होता है, जो इसका इंक्लूड एंगल 90 डिग्री होता है, दोनों तरफ 45 डिग्री ऊपर में होता है, और उसका टोटल इंक्लूड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इस वाले भाग को जो है इस टाइप के जो शेप है उसे लेवल कहते हैं, और नीचे में भी बना हुआ है इस तरह का, तो ये क्या हो गया डबल डबल लेवल हो गया। तो ऑप्शन सी और डी देखिए यहां भी डबल लेवल है यहां भी डबल लेवल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, अब बचा सी और डी। वहीं अब देखेंगे कि ये जो है ग्रूव बोला जाता है, ये जो है स्लॉट जो बना हुआ है वो ग्रूव है और इधर भी है, तो ये जो है क्या है
क्लैंप करने के लिए होता है। तो ये सिंगल ग्रुप है, दोनों तरफ है मगर ये जो है सिंगल ग्रुप टाइप में आता है। तो ये हो गया डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो इस वी ब्लॉक को डेजिग्नेट देंगे, नाम देंगे, वो देंगे डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यदि आप ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में।